नए नए भक्त बन के बेचारे ने एक दिन सुन लिया, दूसरे दिन बोले नो इनको देखो ये बड़े भक्त बन रहे हैं, तिलक देखो इनका, माला देखो इनकी, और ये कहने वाले कोई बाहर से नहीं आते हैं, आपके और मेरे जैसे हम में से ही हैं। उस बेचारे को तब तक ताना मारा जब एक दिन ये कह दिया कि भगवान को लगता नीचे उतार के मारोगे तुम तो, बोले ले भैया ये ले कंठी और ये तिलक छुड़वा दिया उसका। ये है हम, तिलक लगाना हमारे में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हम भूल गए हैं। और हमारी अब जो जनरेशन है हिंदी कम बोलती है, अंग्रेजी ज़्यादा बोलती है, दोनों बीच में बोलती है, हिंदू धर्म को जानते नहीं है, सनातन धर्म को जानते नहीं, बाकी किसी को मानते नहीं है, तो बीच में से एक नई पौध इकट्ठा हो रही है जो किसी को नहीं मानती है, उनको केतन में लाओ तो कहेंगे क्यों जाए, और हम जाए तो कहेंगे तुम क्यों जा रहे हो। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, कहीं आखिरी पीढ़ी न रह जाए भगवान के भजन कीर्तन करने वाली। अपने बच्चों को कीर्तन में उंगली पकड़ के लाओ, उनको बताओ, आज अगर आप अपने बच्चों को कीर्तन में उंगली पकड़ के लाओगे तभी बुढ़ापे में वो बच्चे तुम्हारी उंगली पकड़ के कीर्तन में लेकर के आएंगे, नहीं तो उंगली पकड़ के वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। आगे आने वाली जनरेशन ऐसी आ रही है। प्रिंस कहिए खाटू नरेश की, कीर्तन की है